हाय गाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चलें, आज हम अपना पहला वीडियो बनाते हैं, आपको सिखाते हैं कि इमेज क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है न्यूरल नेटवर्क से। आपने पहले जो है क्लासिफिकेशन तो सीखी थी मशीन लर्निंग के अंदर, जिसके अंदर हमने सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको सिखाया था, खासकर सुपरवाइज्ड लर्निंग में, कि आपके पास डेटा है मुख्तलिफ किस्म का, उसको आपने कैसे क्लासिफाई करना है। इसके जरिए जो अभी हम सिखा रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम आपको क्लासिफिकेशन सिखाएंगे कि आपने न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए, डीप न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए इमेज क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। इमेज क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास बंच ऑफ इमेजेस होंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, मे बी वो फ्रूट्स के हों, कपड़े के हों, जूतों के हों, मे बी वो कैट्स डॉग्स हों, कोई भी इमेज आपके पास हो सकती हैं, या नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, डिजिट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट ये होगा कि आपने इन इमेजेस को क्लासिफाई करना है, आपने देखना है कि कैट्स कौन है, डॉग्स कौन से हैं, डिजिट्स को अलहदा करना होगा, या आपने जो जूतों हैं वो उनको अलहदा करना होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बिफोर हम उसके ऊपर जाएं, पहले मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बताता हूं कि बेसिक आपको जब भी प्रोजेक्ट बनाना होगा इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर, या किसी भी कोई भी आप करेंगे, तो आपको बेसिक चीजें की क्या जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर जो है ना वो डेटा आपको लेना होगा। अब इमेज क्लासिफिकेशन का ये है कि चूंकि ये न्यूरल नेटवर्क है और इसके लिए ह्यूज डेटा चाहिए होता है, जिस तरह आपने मशीन लर्निंग में देखा कि मशीन लर्निंग के अंदर हमें डेटा बहुत कम हमने इस्तेमाल किया है, छोटा सा डेटा होता था और हमने वो ट्रेनिंग उसकी कर दी। लेकिन न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब आप डीप लर्निंग करते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डेटा चाहिए होता है। अब ह्यूज डेटा का मतलब ये है कि ऐसा डेटा जो कि जिसे जो है ना वो न्यूरल नेटवर्क अपने आप को ट्रेन कर सकता है, उस डेटा को जो यूजुअली होता ही है कि वो ऑनलाइन पड़ा होता है, किसी एक जगह पे पड़ा हुआ है, वहां से हम डेटा को डायरेक्ट वहां से पुल करते हैं, हम अपने मशीन पे नहीं रखते हैं, हम ऑनलाइन इसको हम पुल करते हैं। अच्छा, वो जो डेटा है वो हमारे पास, इसमें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फैशन का डेटा है। इस फैशन का मतलब ये है कि आपके पास इमेजेस है मुख्तलिफ कपड़ों के ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन का स्टोर देखते हैं, वहां पर ऑनलाइन स्टोर में उसने अपने मुख्तलिफ इमेजेस डाले हुए हैं, खवातीन के कपड़े हैं, मर्दों के हैं, बच्चों के हैं, बूढ़ों के हैं, स्वेटर है, कोट है, शलवार कमीज है, जैकेट है, वगैरह वगैरह। तो वो वाला डेटा हमारे पास है, उस डेटा को हमने इमेज क्लासिफिकेशन करनी है। हमने ये देखना है कि कौन सा इमेज किस चीज का बना हुआ है, क्या क्या है, क्या वो शलवार कमीज है या कोट है या मफलर है या व्हाटएवर। ठीक है ना। अच्छा, वो वाला डेटा जो है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, उसको एमिनिस्ट डेटा सेट कहेंगे हम, और वो बहुत ह्यूज डेटा आपके पास है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये करना है कि इस डेटा को हमने एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर से मुराद ये है कि अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है डेटा, तो इसको हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा लिख कर ही बता दूं, पेन है। अच्छा, सबसे पहले आप ये करेंगे कि ये जो डेटा आपका पड़ा होगा, मुख्तलिफ इमेजेस होंगे इसको, ठीक है, ठीक है, इस तरह का होगा, और आपने सबसे पहले देखना होगा कि ये इमेज का साइज क्या है, इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, वगैरह वगैरह। तो डेटा को आपने पहले एक्सप्लोर करना होगा, प्री प्रोसेसिंग करनी होगी, फिर आपने इस डेटा का जो है ना वो मॉडल बनाते हैं, जिस तरह हमने मशीन लर्निंग के अंदर देखा था कि आपने डेटा को मॉडल बनाया। मॉडल बनाने के लिए आपको इसकी लेयर सेटअप करनी होगी। मसलन अगर ये आपका इनपुट है, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि आपको कितनी लेयर्स बनानी है, हिडन लेयर्स कितनी आपको बनानी है, ठीक है, और आउटपुट आपको क्या होगा, इस किस्म की सेटअप आपने करना है। फिर इसके आपने वेट्स लगाने हैं कि हमने वेट्स कितने लगाने हैं, वगैरह वगैरह। तो इसको आप कहते हैं प्री सेटअप द लेयर्स एंड कंपाइल द मॉडल। फिर आपने इसको ट्रेन करना है, ठीक है। अब ट्रेन में ये करते हैं कि अब आप इनपुट इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं इस मॉडल को ना, इनपुट देता। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक इमेज है, इस इमेज के अगर ये 4 पिक्सल का बना हुआ है, तो आपने इसके इसके 4 इनपुट बनेंगे,
ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये चार पिक्सल है, तो चार इसके इनपुट बनेंगे, ठीक है। तो ये वन बाय वन इमेज आप इसको देते जाएंगे तो वो ट्रेन करता जाएगा। अच्छा, वन इमेज देंगे तो वो आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा इस इमेज के एजेस क्या हैं, या इसके कॉर्नर्स कौन से हैं, इसका राउंड कौन सा है, इसकी नेक कौन सी है, वगैरह वगैरह, तो वो आप ट्रेन करते जाएंगे। फिर मॉडल जब आपका ट्रेन हो जाता है, फिर आपने उसको एक्यूरेसी भी आपने चेक करनी है। एक्यूरेसी का मतलब ये होगा कि आपने जब इसको एक इमेज दिया, ठीक है, मसलन आपने इसको एक 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 शर्ट का इमेज दिया, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जो आउटपुट आ रहा है वो शर्ट ही आ रही है या कुछ हो रहा है, तो ये आपने एक्यूरेसी भी आपने इसकी चेक करनी है। फिर इस एक्यूरेसी को आपने एवेल्युएट भी करना है, यानी कि फिर आपने एक इमेज दे के उसको बाद में, यानी कि एक तो आपने ट्रेन किया ना मॉडल, फिर आपके पास एक टेस्ट डेटा होगा, टेस्ट को आपने डेटा देके उसको ट्रेन भी करना होगा, ठीक है, सॉरी, अच्छा, फिर मॉडल को आपने प्रिडिक्ट करना होगा, ठीक है। प्रिडिक्ट का मतलब फिर यही होगा कि आपके पास ऐसे इमेजेस होंगे जो कि बेसिकली आप मॉडल के अंदर नहीं होंगे, आपने बाहर से इमेजेस लाएंगे, वो इमेजेस देंगे, फिर आप इसको प्रिडिक्शन आप इसकी करेंगे, और फिर यूज द ट्रेन मॉडल, फिर आप इस मॉडल को आप ट्रेन करेंगे और इसको यूज करेंगे फ्यूचर के अंदर, जब भी आपको प्रिडिक्शन करनी होगी किसी भी इमेज की, तो आप इसको आप ट्रेन करेंगे। अच्छा, अभी सारे गोरल धंधे के अंदर 4-5-7 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो हमने वक्तन फोक्तन डिस्कस की हैं, लेकिन आपको इन चीजों का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, जो हमने आपको बेसिक पहले भी बताया था, कि अगर ये आपका मॉडल है, अगर आपका ये मॉडल है, ये अगर आपका मॉडल है, ये अगर आपने मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने नंबर ऑफ लेयर्स आपको कितनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपने एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाना है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसकी जो आइट्रेशन करनी है, यानी कि आपने इन इमेजेस को जो फीड करना है वो, और जो आपने बैक प्रोपगेशन करनी है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आपने करना है, ठीक है। तो बेसिक चीजें जो है ना वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन जिस चीज की आपको समझ नहीं आएगी उसको आप समझने, अगर आपको पाइथन का थोड़ा सा इश्यू है तो वो आप समझिएगा और खुद से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन डिटेल में मैं सारी चीजें शायद आपको ना समझा पाऊं इधर, क्योंकि बड़ा ह्यूज मॉडल है और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टेप में ये चीज करवाऊंगा, सारी 3-4 छोटे छोटे वीडियोस करके बताऊंगा कि आपको सेक्शंस के हिसाब से मैं चीज समझाऊं, एक ही दफा ना समझाऊं। तो इसके अंदर सिर्फ मैंने आपको यही बताना था कि जो आपने क्लासिफिकेशन करनी है, इमेज क्लासिफिकेशन हम करेंगे, वो फैशन का डेटा होगा, यानी कि वो कपड़ों का डेटा होगा, ठीक है, वो मुख्तलिफ मतलब ये शर्ट है या ये जीन्स है, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो इसको हम डेटा को फीड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है और उसकी कितनी एक्यूरेसी कितनी है, क्या 100% एक्यूरेसी के साथ आ रहा है या 99% एक्यूरेसी के साथ आ रहा है, तो ये सारा जो है ना हम आपको सिखाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ इस डेटा के बारे में बताना चाहता था, आई होप इट विल मेक मोर सेंस नाउ, और अब इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना उसको मैं एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। थैंक यू।